अब मैं करने जा रहा हूँ फंक्शनल का सेकंड सेट। ये थोड़ा दिमाग तो ख़राब करता है, गर्मी ज़्यादा है, तो जस्ट अभी कंप्लीट कर रहा हूँ। अब घर से निकल रहे हैं ओपीडी के लिए। थोड़ा आजकल डेली बारिश हो जाती है, तो बारिश के मौसम में पेशेंट थोड़ा कम निकलता है। देखते हैं कितने ओपीडी। एक पेशेंट को एडमिट करके आया था, उसको मैल्यूस में फ्रैक्चर था, तो उसका बस लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं आई थी उसकी, एक्सरेज थे बस। उसका एडमिट कराया था, अभी आज उसको ऑपरेट तो करना है। एक नॉन यूनियन है डिस्टल यूमरस का, उसको भी ऑपरेट का बोल रखा है, तो वो देखते हैं आता है कि नहीं आता है। बाकी और पेशेंट कोई और ट्रॉमा आ गया या फिर कोई और ओपीडी बेसिस पे एडमिट हो गया तो उसको ऑपरेट करेंगे। बाकी कल का दिन थोड़ा एक्टिक था, कल रात को 10:30-11 बजे घर पहुंचा। सो आजकल थोड़ा हाई एक्टिक ही चल रहा है, इसलिए वीडियोस भी कम ही बना पा रहा हूँ, पर ठीक है कोई ना। पर मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है आजकल, मौसम बताता हूँ आपको। पूरे रोड गीले पड़े, बारिश अभी आके हटी है। कब से बेटा? 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने कहीं दिखाया नहीं, इधर दुखे हुए लाइन में दुखे। वैसे जिस तरह वो कैल्शियम की दवाई नॉर्मल डॉक्टर ने पूछ की मेडिकल पर दे। कादर दिन को ना इस पे वेज पे बैठे रहो, क्या होगा, गिर जाओगे, वैसे ही गिर जाओगे। कहाँ दर्द आंटी? ठीक है, नील पट रहा है। और वजन वजन आवे है? वजन वजन इधर भी दुख है क्या? हाड़ लेविकल ठीक है, हाड़ दुख है। ये अभी आना शुक्रवार को। हाँ सुनील, गुड। छड़ी कब से यूज कर रहा है? छड़ी कब से यूज कर रहा है? अच्छा अच्छा, कैसा लग रहा है? ये यहाँ कोई बात नहीं, स्क्रू है, मोड़ो, हाँ सीधा करो, निकल निकाल देगा आज जी। ठीक लग रहा है, बुखार उखार तो नहीं है? नहीं। वो पट्टा बनवाना है फिर, है पट्टा तो बहुत ज़रूरी है जी, नहीं तो हाथ लटक जाएगा, दोबारा ये हिल जाएगा सौदा पानी अपना। इतनी हड्डियाँ एकदम थोड़ी है, बीड़ी इतनी फूक रखी है ना। अब तो छोड़ दी, पुरानी जो पी है उनके पाप कौन तो होगा। ओपीडी जस्ट फिनिश करी थी, ओपीडी थी अराउंड 35-40 की ओपीडी थी। 5-7 तो ऐसे दिखाए जाते हैं ऑपरेटर वाले बिना पर्ची के टाइप पर। चलो ओपीडी हो गई है फिनिश, अभी ओटी के लिए मूव ऑन करते हैं दोबारा। और केसेस हैं मीडियल मैल्यूस है, एक स्कैफोल्ड में फ्रैक्चर है, उसको स्क्रू डालना है मीडियल मैल्यूस में। पुराना है तो उसको मार्जिन फ्रेशन करके उसमें स्क्रू डालेगा। और एक है टीबिया फ्रैक्चर, वो यंग पेशेंट है। बुला लेना थोड़ी देर में, हाँ कर देना छुट्टी हटी बना दिया अपन। डेडिकेट कर दिया इतना रोटी है, सही है। टिबिया मैल्यूस और स्कैफोल्ड, नेक्स्ट केस है वो है टिबिया शाफ्ट फ्रैक्चर।
17 ईयर मेल पेशेंट है, तो बाइक चला रहा था तो सीधा इसने मार दी बुगी में। बुगी होती है बुलक कार्ट। अब बस उसको लिया है, पोजिशनिंग वगैरह बनाई है, बस अब शुरू करते हैं उसका केस, फिर और केसेज हैं उनको भी निपटाएंगे। तो ये पेशेंट है जिसकी मैं बात कर रहा था, शाफ्ट ऑफ टीबिया फ्रैक्चर है, ये फिबुला बोन है, इसमें कोई फ्रैक्चर नहीं है, और ये टीबिया है, इसमें बिल्कुल मिडल में फ्रैक्चर है, और अभी इसमें नेलिंग कर देंगे, तो कल से इनको चलाना शुरू करना है। बहुत पेन था पेशेंट को, जस्ट अभी स्टार्ट करते हैं नेलिंग। बेसिकली टीबिया फ्रैक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट होती है रिडक्शन, और अगर रिडक्शन अचीव हो जाती है तो टीबिया नेलिंग में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। थोड़े हाइट बढ़ा के थोड़ी सी। सो रिडक्शन के बाद नेलिंग की कर रहा हूँ, बट मेन बात इसमें ये है कि हमने डायनेमिक मोड में इसको फिक्स किया, बिकॉज फ्रैक्चर ट्रांसवर्स टाइप है और मिडल 1/3 का है। तो इसमें कंप्रेस किया ये क्लैंप से, कंप्रेशन क्लैंप से, और फिर इसको वायर से सीसी स्क्रू के हेल्प और वॉशर से इसको फिक्स कर दिया। फिक्सेशन स्टेबल है तो अभी इसको बाहर जाने दिया। अब अगला पेशेंट देखते हैं। सो नेक्स्ट केस ये है, यंग पेशेंट है, इसमें ये बोन होती है जो रेडियस के जस्ट आगे है, कार्पल बोन का ये पार्ट है, इसको बोलते हैं स्कैफोल्ड, और इसमें क्लियर कट फ्रैक्चर है, और ये बोन फेमस है नॉन यूनियन के लिए और ए वेस्कुलर नेक्रोसिस के लिए, तो इसको ऑपरेट करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। सो अभी जस्ट इसको परकुटेन स्क्रू फिक्सेशन करेंगे। फ्रैक्चर मिट गया ना, देख झाड़ा, वाह वाह वाह, मारो क्या। ये फिक्सेशन किया है परक्यूटेनियस स्क्रू से, इसमें पहले फ्रैक्चर को वायर डाल के उसमें ड्रिल करके इसमें स्क्रू डाल दिया। स्क्रू नीचे था,
का अंधेरा हो गया, तो अभी बस एक लास्ट केस करने जा रहे हैं, डिस्टल ह्यूमरस में फ्रैक्चर प्लस उसमें इम्प्लांट फेलियर है एंड विद बोन ग्राफ्टिंग, थोड़ा नॉन यूनियन भी है। सो ये लास्ट केस है, तो आज काफ़ी हेक्टिक डे तो था ही, बट ठीक है, फन लविंग है, ऐसे दिन तो होने चाहिए यार लाइफ में। लेट्स डू इट नाइसली, या फिर घर पे आके डिनर करेंगे यार। ओके ठीक है। Thank you.